आम आदमी पार्टी कानून और पद को ताक पर रखकर बयानबाजी और कमेंट करती रहती है। ये पार्टी ये भी नहीं सोचती कि जिस व्यक्ति विशेष पर वो सवाल उठा रही है वो उस राज्य के कानून का सर्वे सर्वा है। लेकिन खुद को फंसता देख अब आम आदमी पार्टी उपराज्यपाल नजीब जंग पर ही FIR दर्ज करने की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि पिछले 2 साल से शीला दीक्षित और मुकेश अंबानी पर कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए LG नजीब जंग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB चीफ मुकेश मीणा पर मामले को दबाने के आरोप में FIR दर्ज हो। आम आदमी पार्टी के मुताबिक जनवरी 2014 में जब दिल्ली में उसकी 49 दिन की सरकार थी तब उसने पूर्व CM शीला दीक्षित पर कॉमनवेल्थ घोटाले समेत 4 मामलों में ACB में FIR दर्ज कराई थी, जबकि एक FIR KG बेसिन मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के खिलाफ दर्ज कराई गई थी, जिसमें बीते 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए LG ACB को पार्टी की शिकायत भेजकर खुद अपने और ACB चीफ मुकेश मीणा को इन्हीं FIR में सह आरोपी बनाए। आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल LG से मिलने LG सचिवालय पहुंच गया, लेकिन मुलाकात का समय पहले से तय न होने के चलते LG ने आप विधायकों से बात नहीं की, लेकिन उनके सचिव ने शिकायत को लिया। इस पूरे मामले पर भी आम आदमी पार्टी ने सियासी बयान दिया है। दिल्ली के 12 माननीय विधायकों ने माननीय LG महोदय से मिलने का प्रयास किया, लेकिन माननीय LG महोदय के लिए लंच पे जाना ज्यादा प्रेफर्ड है एज कम्पेयर टू दिल्ली के 12 विधायकों से मिलने। हमने बार बार कहा कि जी हमसे मिल लीजिए। पहली चीज तो जिस तरह से फ्रिस्किंग की गई हमारी, जैसे कोई हम आतंकवादी हो, और उसके बाद मोबाइल रखा वहीं पर रख लिया, फिर अंदर गए, पेन रख लिया और मिले भी नहीं, और बगल कमरे में बैठे हुए थे। ये बड़ी निंदनीय और घृणित काम उन्होंने किया। तो आपने अपॉइंटमेंट ली थी? बिल्कुल ली थी जी। हमने चिट्ठी हमने कल SMS किया था, कोई जवाब नहीं आया वहां से। अगर कोई विधायक आपसे टाइम मांगे तो आप ड्यूटी बाउंड हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होल्डर हैं, आप ड्यूटी बाउंड हैं कि आप बताएं कि हम कब आ सकते हैं, नहीं आ सकते। आपने कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दी। अब ये हम जो विश्वेंद्र जी हैं, जो उनके सेक्रेटरी हैं, उनसे मुलाकात की, उन्होंने हमारी कंप्लेंट्स ले लिए और कहा माननीय LG महोदय इस पे अपना जो भी कार्रवाई करनी करेंगे। साथ में बाद में मुझे दिखा कि वो बगल कमरे में बैठे हुए थे। तो बहुत ही एक तरह से ऐसा कार्य उन्होंने किया जो उनको नहीं करना चाहिए था, इस पद को शोभा नहीं देता। LG अपने खिलाफ खुद FIR करवाने से तो रहे, और ACB चीफ मुकेश मीना भी अपने खिलाफ कोई FIR नहीं कराएंगे, और ये बात आम आदमी पार्टी भी जानती है। लेकिन वो इस मांग के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि जब 11 महीने तक टैंकर घोटाले में कोई कार्रवाई ना करने के आरोप में केजरीवाल सरकार पर FIR हो सकती है, तो फिर 2 साल तक शीला दीक्षित और मुकेश अंबानी समेत अन्य आरोपियों पर कार्रवाई ना करने पर LG नजीब जंग और ACB चीफ मुकेश मीणा के खिलाफ FIR क्यों नहीं हो सकती। ये पूरा मामला एक जवाबी कार्रवाई का मामला है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।